निर्मल चौड़ा बारे ये गल कह रहे हैं कि उन्होंने साहित्यक ते नाटकों दी स्टेजां संभालन की पूरी मुहारत है, पर जो पंजाब दे गंभीर सियासी मुद्दों से बहस होनी है उस ते निरपक्षता ते उन्होंने सवालिया चिन्ह लग्या होया है। लोग किस तरह कर सकते हैं? जो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नूं चिट्ठियां ते चिट्ठियां लिखी जा रहे हैं तो भगवंत मान कोलों बहुत सारे मुद्दों ते जवाब मांग रहे हैं। राज्यपाल ने हुण एक होर चिट्ठी लिखी है सीएम मान नूं, यह कहा कि इन्हां प्रोजेक्टां दे विच जो वातावरण के नियम ने जा जंगली जीव नियम ने उन्हां दी कथित तौर पर उलंघना की जा रही है, तो सीएम मान इन्हां नियमां दी उलंघना नूं ध्यान च रखदिआं इन्हां ते कार्रवाई करन। ते वेखण वाली खास गल ये है कि ये दोवें जिहड़े प्रोजेक्ट ने ये आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह दे ने। कैनेडा ने यह कहा है कि बहुत सारे कैनेडियंस लई चिंता भरे समय तो बाद ये जिहड़ा भारत का कदम है एक शुभ संकेत है, मतलब चंगी गल उन्होंने कहा। एक होर किसान है, किसान जरनैल सिंह, जो कि मानसा के पिंड बोहा के रहने वाले ने, वह भी इस तरीके दे नाल एक बड़े वधिया तरीके दे नाल पराली का निपटारा करते हैं। ये कहा जाता है कि उन्होंने पिछले 5 सालों तो अपने खेतों के जिहड़ी भी फसल की रहिंद खूंद हुंदी है उसनू अग नहीं लाई, बल्कि बैलर मशीन या होर वधिया तरीके दे नाल उसका निपटारा किया। धार्मिक फिल्म होने करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस फिल्म पर कुछ सवाल चुके ने, ते ये भी कह दिता है कि इस फिल्म नू श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी मंजूरी नहीं दिती। खबरनामा में थोड़ा सारे का बहुत स्वागत है, मैं गुरप्रीत कौर। 1 नवंबर बहुत खास होने वाली है क्योंकि 1 नवंबर नू एक तो पंजाब दिवस है ते दूजा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 नवंबर नू अपनी खुली बहस का ऐलान किया होया। कल उन्होंने इस खुली बहस की रूपरेखा का भी ऐलान कर दिता है, तो इस मुताबिक ये बहस मैं पंजाब बोलदा हाँ दे बैनर हेठ करवाई जाएगी। लुधियाणा के खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के कैंपस के बहस होएगी, तो प्रोफेसर निर्मल जौड़ा इस बहस के मंच का संचालन करेंगे। पर बहुत सारे विरोधी धिर भी ने जो इस मंच के संचालक जो कि निर्मल जौड़ा ने उन्होंने उंगलियां चुक रहे हैं। खास करके BJP के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ ने यह कहा है कि उस व्यक्ति कोलों इस मंच संचालक की निरपक्षता की उम्मीद किवें की जा सकती है जिसनों सरकार के रहमो करम से पूरी उन्होंने जिम्मेदारी मिली होवे। निर्मल जौड़ा बारे ये गल कह रहे हैं कि उन्होंने साहित्यक ते नाटकों दी स्टेजां संभालन की पूरी मुहारत है, पर जो पंजाब दे गंभीर सियासी मुद्दों पर बहस होनी है उस ते निरपक्षता ते उन्होंने सवालिया चिन्ह लग्या होया है कि वह किस तरह कर सकते हैं। सुनील जाखड़ ने ऐलान किया कि वह पूरी तैयारी के नाल इस बहस दे विच हिस्सा लैणगे, खास करके पंजाब दे पानी किसानी नौजवानों नू नशे दे विच जिहड़ा बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा है पंजाब दा, नशे सूबे च बने हुए डर दे माहौल जो गैंगस्टर ते होर वारदातां हो रहियां ने, ते ए मुद्दे तां उह चुकणगे ही। नाल दी नाल उन्होंने ये भी कहा कि वह पंजाब दे लोकां नू सद्दा देणगे कि वह जो लोग ने वह ताज़ा मुद्दे उन्होंने दसन तो वह मुख्यमंत्री की जवाबदेही तय कर सकन। सुनील जाखड़ ने एक वट्सअप नंबर भी दिता है, ये नंबर असी तुहानूं अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस नंबर पर तुसीं सुनील जाखड़ नूं जो पंजाब के ताज़ा मुद्दे ने वो लिख के भेज सकते हो, वह ये मुद्दे उस बहस दे विच चुकणगे ते मुख्यमंत्री कोलों जवाब मंगणगे। कल अपने ऐलान दे विच भगवंत मान ने यह भी कहा है कि इस बहस दे विच जो भी विरोधी धिर दीआं पार्टियां ने जां जो पार्टियां पहलां सत्ता दे विच रह चुकियां ने उन्हां नूं खास करके पंजाब दे मुद्दे ते उन्हां दे कार्यकाल विच जो भी उन्होंने किया उस बारे अपना पक्ष रखण दा पूरा पूरा समां दित्ता जाएगा। हरेक पार्टी नूं 30 मिनट मिलणगे, 30 मिनट दे विच उन्होंने अपना पक्ष पेश करना है जिस विच वो सूबे नाल जुड़े सारे मसले वो उत्थे पेश कर सकणगे। मुख्यमंत्री ने पंजाब दे लोकां नूं खास करके इस बहस दे विच हिस्सा लैण की अपील की है। इहदा मतलब ये है कि इस बहस दे लई एक खुला पंडाल सजाया जाएगा जिथे सारे लोग बैठ के सारे अपने सियासी लीडरां दीआं जो भी वो दलीलां या तत्थ पेश करदे ने वो सुन सकदे ने। ये बहस वैसे भी काफ़ी रोचक रहने वाली है क्योंकि विरोधी धिर दे लीडर खास करके सुनील जाखड़ ते विरोधी धिर दे लीडर प्रताप सिंह बाजवा
इन्हां दे आउण दी पूरी पूरी संभावना है। सुनील जाखड़ ने तो ऐलान कर ही दिता है कि वह फुल तैयारी के नाल बहस दे विच जाणगे। प्रताप सिंह बाजवा दियां कैसराइयां ने कि वह आ सकते हैं। एक खास गल ये भी है कि ये पंजाब दिवस के वाले दिन ये बहस हो रही है, तो पंजाब के मुद्दे ही खास करके इस बहस के चुके जाएंगे। सब तो अहम SYL का मुद्दा है। विरोधी धिर खास करके इस बहस के आप सरकार दियां नाकामियां गिना सकते हैं कि किस किस अहम मुद्दे पर आप सरकार जड़ी है वह नाकाम रही है, किड़े किड़े जड़े मुद्दे ने वो सही तरह नहीं हुए, लोगों नूं की कमियां पेश आ रही ने, सरकार किहड़े काम चज नाल नहीं कर रही। तो इस तो इलावा किसान खुदकुशियां जो कि बहुत एक सब तो अहम मुद्दा है, हाले भी रोज़ खबर आउंदियां ने किसान खुदकुशियां कर रहे ने जो कर्जा वापस नहीं दे सकते। नशियां दे मुद्दे खास करके नौजवानों दे जो प्रवास है, जोड़े नौजवान पंजाब छड़ के बाहर जा रहे ने वो मुद्दा, पंजाब दे सिर जिहड़े कर्जे की पंड चढ़ी है वह मुद्दा, इस तो इलावा सब तो अहम बेअदबी के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ते मुख्यमंत्री भगवंत मान दे विच चिट्ठियां की लड़ाई हाले तक जारी है। ये एक दूजे नूं जो राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नूं चिट्ठियां ते चिट्ठियां लिखी जा रहे हैं, तो भगवंत मान कोलों बहुत सारे मुद्दों पर जवाब मांग रहे हैं। राज्यपाल ने हुण एक होर चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी दे विच उन्होंने मोहाली के दो बड़े अहम जिहड़े प्रोजेक्ट बन रहे ने उन्होंने सवाल चुके ने। इस चिट्ठी दे विच राज्यपाल ने CM मान नूं यह कहा कि इन्हां प्रोजेक्टां दे विच जो वातावरण के नियम ने जां जंगली जीव नियम ने उन्हां दी कथित तौर पर उलंघना की जा रही है, तो CM मान इन्हां नियमां दी उलंघना नूं ध्यान च रखदिआं इन्हां ते कार्रवाई करन। इस तो इलावा राज्यपाल ने पंजाब सरकार कोलों इस मामले ते एक रिपोर्ट भी मंगी है। तो वेखण वाली खास गल ए है कि ये दोवें जिहड़े प्रोजेक्ट ने ये आम आदमी पार्टी दे विधायक कुलवंत सिंह दे ने। राज्यपाल ने इस चिट्ठी दे विच लिखा है, दो प्रोजेक्टां दे नां दस्से ने, मैसर्स जनता लैंड प्रमोटर्स लिमिटेड सैक्टर 82-83 ते सैक्टर 66A मोहाली दे विच जो बन रहा है सुपर मैगा मिक्सड यूज इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रियल पार्क ते गलैक्सी हाइट्स, इन्हां दे वल्लों वातावरण दे नियमां दी उलंघना की गई है। दरअसल राज्यपाल नूं केंद्रीय वातावरण जंगलात ते जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दा एक पत्र मिलिया सी। इस पत्र दे हवाले दे नाल उन्होंने हुण CM मान नूं इह चिट्ठी लिखी है। भारत ने कल तो कैनेडा दे विच अपनियां कुछ वीज़ा सेवावां मुड़ तो चालू कर दित्तियां ने। पहलां जदों भाई हरदीप सिंह निजर दे कतल दे इल्ज़ाम कैनेडा ने भारत ते लाए सी, उस तो बाद जवाबी कार्रवाई दे विच भारत ने कैनेडा दे विच अपनियां वीज़ा सेवावां रद्द कर दित्तियां सी। इह हुण दोबारा कुछ हद तक चालू कीतियां ने, सारियां नहीं कुछ वीज़ा सेवावां, ते कैनेडा ने भारत दे इस कदम दी बड़ी शलाघा कीती है, इस फैसले दा स्वागत कीता है। कैनेडा ने यह कहा है कि बहुत सारे कैनेडियंस लई चिंता भरे समय तो बाद यह जिहड़ा भारत दा कदम है एक शुभ संकेत है, मतलब चंगी गल उन्होंने कहा। तो उधर कैनेडा दे विच भारत दे हाई कमिशन ने कहा है कि भारत दे नाल नाल जिहड़े विदेशां दे विच कैनेडियंस वीज़ा अर्जियां अप्लाई करदे ने उन्हां दे लई कुछ वीज़ा अर्जियां जिहड़ियां ने उहदी प्रक्रिया वह कुछ ही समय दे विच वह भी मुड़ तो चालू कर दित्ती जाएगी। झोने का सीजन चल रहा है, तो पराली दे नबेड़े का बहुत ही ज़्यादा रौला है। पराली दे जिहड़े किसान, बहुत सारे किसान पराली नूं अग ला दिंदे ने झोना वड्ढन तो बाद, इस तो बाद प्रदूषण का बड़ा रौला पै जांदा है कि पंजाब दे किसान दिल्ली नूं प्रदूषित कर रहे ने। पंजाब दे विच जिहड़ी पराली साड़ी जांदी है उहदा धुआं दिल्ली वल नूं जांदा है, पर कुछ किसान इहो जिहे भी ने जिहड़े पराली नूं साड़दे नहीं है, बल्कि एक बड़े वधिया तरीके दे नाल सुचज्जे ढंग दे नाल पराली दा निपटारा करदे ने। इहो जिहा करके ना सिर्फ वह अपने खेतां नूं अपनी जमीन नूं बंजर होण तों बचाउंदे ने, बल्कि पैसे भी कमाउंदे ने। कुछ दिन पहलां असीं तुहानूं अपने चैनल ते मलेरकोटला दे पिंड फिरोजपुर कुठाला दे एक नौजवान किसान की कहानी दसी सी। नौजवान किसान गुरप्रीत सिंह जो बड़े वधिया तरीके दे नाल पराली दा निपटारा करके लखां रुपए कमा रहा है, तो इस साल उसने 1 करोड़ तो वध रुपए कमाउण दा टीचा मिथिया। इस वीडियो नूं तुसीं सारिआं ने बहुत ज़्यादा प्यार दिता सी। तो इदा ही एक होर किसान है, किसान जरनैल सिंह जो कि मानसा दे पिंड बोहा दे रहण वाले ने,
ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਲਕਿ ਬੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ 12 ਏਕੜ 'ਚੋਂ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਯੋਗਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਸਤਾਨੇ ਸਰਹੰਦ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10 ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸੀਨ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀਨ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਨਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪੁੱਜੇ।